Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to compare RJ Bucketlist and Lilius. मुझे मालूम है इन दोनों के बीच में कोई comparison नहीं हो सकता क्योंकि अपना RJ सबसे superior है. तो चलिए start करते हैं. हम इन दोनों को rate करेंगे 5 basis पे. पहला होगा content, दूसरा होगा quality, तीसरा होगा relatable, कौन ज़्यादा बनाता है, consistency और joke. इन पांचों चीज़ों के basis पे हम इन्हें rate करेंगे. Total points होंगे 50 और 50 में से देखते हैं कितना मिलता है. पर टॉपिक पे आपको 10 में से कितना रेट मिलेगा ये डिसाइड करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला आता है क्वालिटी. क्वालिटी के मायने में अगर मैं बात करूं तो RJ Bucketlist का इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी पे कोई टक्कर ही नहीं है, तो इसे मिलेगा 10 में से 9. दूसरे नंबर पर आता है Lilius. इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है बट ये काफी ज्यादा कॉपी करता है, इसलिए इसको पॉइंट मिलेगा 7 out of 10. दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि रिलेटेबल, कौन सबसे ज्यादा रिलेटेबल वीडियो बनाता है. तो दोनों ही इसमें काफी अच्छे रिलेटेबल वीडियोस बनाते हैं, तो RJ Bucketlist को मिलते हैं 8 out of 10 और Lilius को मिलता है 8 out of 10. तीसरा अपना पॉइंट आता है वो है कंटेंट, कौन सबसे अच्छा कंटेंट देता है. RJ Bucketlist के कंटेंट का कोई टक्कर ही नहीं है, तो उसे मिलेगा 8 out of 10 और Lilius काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है, उसे भी मिलेगा 8 out of 10. बात करते हैं कंसिस्टेंसी. हमारा RJ कंसिस्टेंसी में पीछे रहता है क्योंकि जल्दी और क्वालिटी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी में 7 out of 10 अपने RJ को मिलता है. Lilius को यहीं पे 9 मिलता है out of 10 क्योंकि हर फेस्टिवल पे हर सीजन पे Lilius एक नया वीडियो डालते रहता है. बात करते हैं जोक, कौन सबसे अच्छा जोक देता है. RJ Bucketlist के जोक बहुत अच्छे खासे होते हैं, तो उसे मिलेंगे 8 out of 10 और Lilius के भी जोक काफी अच्छे होते हैं और उसे इन्जॉय करने में मुझे मजा आता है, उसे भी मिलेंगे 8 out of 10. दोनों के स्कोर होते हैं बराबर 40 out of 50. अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ये न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वरना फिर देख लो अपना.